हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रीति। सो गाइस, जो मैंने मंगाया था ये हेयर हाइलाइटनर, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ यूज़ करती हूँ, तो आपको भी पता चले कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर ये काम करता भी है या नहीं करता है। आई रियली डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ गाइस आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर निकलते हैं एक ट्रे निकलती है, कुछ इस तरह की हीट ट्रे है। एंड इसको हमें क्या करना है, ये है कंडीशनर। कंडीशनर को हमें पहले ये पैक लगाएंगे, इसके 30 मिनट्स के बाद जब हम प्लेन वाटर से अपने हेयर वॉश करेंगे, देन हम इसको लगाएंगे। ये है कंडीशनर, ये इसी कंपनी का है, स्ट्रेक्स का ही है। तो हम जो कलर लगा रहे हैं उसी का हमें कंडीशनर लगाना है। ये 2-3 मिनट के लिए रखना है, देन प्लेन वाटर से इसको वॉश आउट कर देना है। एंड ये है हमारे 2 पाउचेस, हमें इसको मिक्स करना है। ये डेवलपर है एंड ये ब्लेंडर पाउडर है, तो हमें इन दोनों को मिक्स कर देना है। एंड हमें करेंगे इसी ट्रे में हम लोग कर लेंगे। ये ब्रश है, इसे हम मिक्स भी कर सकते हैं अपनी जो हेयर्स के लिए, अगर हमें यूज़ करना है तो हम इसको कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ये ब्रश है। एंड ये है हमारा ग्लव। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुझे चाहिए ये सीजर, जिससे मैं इसको कट करूँगी। तो उसको उससे पहले मैं अपने हाथों में जो मेरे जो ग्लव्स हैं, मैं उनको पहन लेती हूँ। तो गाइस, पहन लिए हैं मैंने ग्लव्स, मैं दोनों हाथों में पहन लेती हूँ ताकि मुझे इजी रहे। ग्लव्स लगाने से फ़ायदा रहता है कि हाथों में बिल्कुल भी गंदगी वगैरह जो कलर्स वगैरह लग जाते हैं तो वो बहुत गंदे लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी इसमें। तो मैं इसको कट करके दोनों मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो ये है पाउडर। ये पाउडर कुछ स्काई ब्लू कलर का है, पाउडर फॉर्म में है। तो कुछ इतना अमाउंट का इसमें पाउडर निकला है। एंड ये है ब्लेंडर, सॉरी ये है डेवलपर। तो मैं इसको भी कट कर कर ये फुल जो हमारे पाउचेस निकले हैं वो पूरे पूरे हमें मिक्स करने होते हैं, सेम अमाउंट तक ही रहता है। तो जिसका लिक्विड है वो भी मैं डेवलपर इसमें ऐड कर देती हूँ। ये लिक्विड फॉर्म में है और जो पहले वाला था वो पाउडर फॉर्म में था गाइस। ये एकदम मिल्क वाला उसका जो कलर आ रहा है, बिल्कुल मिल्क वाला आ रहा है। तो दैट्स इट, ये हो गया है। एंड जो ब्रश है मैं इसकी हेल्प से इसको अच्छे से एक वेल मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पतला बारीक है तो वो हल्का सा भी एकदम से ना उछटता है एकदम से ऊपर की तरफ। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस, ये कुछ इस तरह से बन गया है, कुछ इस तरह का इसका कलर आया है, स्काई ब्लू कलर का। तो एक पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो हम क्या करना है, अपने बालों में लगाना। तो हम पहले से अपने बालों को शैम्पू करके रखेंगे। एंड मैंने बालों को शैम्पू किया हुआ है एंड सूखे हुए बाल हैं मेरे। तो या तो आप कर सकते हैं जो आप एक एक लेयर लेकर आप बना सकते हैं इस तरह से, अगर आपको लगाना हो तो। मैं अपने बालों में जो नीचे वाले जो इतने वाले हेयर्स होते हैं, तो मैं इतने पूरे फुल हेयर्स में लगाऊंगी जो हाफ हाफ में चल रहे हैं आजकल। तो मुझे उसके लिए अपने हेयर्स को 2 साइड्स में इस तरह से कर लेना है। एंड मुझे चाहिएगी जस्ट 2 रबर बैंड लाइक दिस। तो मैं हेयर्स को अपने छोटी बना लेती हूँ। कुछ इस तरह से तो
गाइस मैंने दो छोटी बना ली हैं एकदम स्कूल वाली फीलिंग आ रही है मेरे को इस स्कूल में हम लोग करके जाते हैं अपने दो छोटियाँ। तो मैंने अपने बालों को भी अच्छे से हेयर कॉम कर लिया है एंड मैं जस्ट ये देखिए कुछ इस तरह से मैं ये लगाऊंगी। ऐसे मुझे हाथों से लगाने में ज़्यादा इजी रह रहा है तो मैं हाथों से ही इसको लगा लेती हूँ। इसमें जो स्मेल आ रही है वो थोड़ी जैसे ब्लीच की आती है ना, सेम ब्लीच वाली स्मेल आ रही है मेरे को। कलर आपको दिख रहा होगा, मेरे बालों का कलर ब्लैक है। तो मेरा ये साइड हो चुकी है, मैं ये साइड भी कवर कर लेती हूँ। तो मैं ये साइड भी लगा लेती हूँ। तो गाइस मेरे ये डेपले पर थोड़ा कम था, मुझे शायद बिग साइज मंगाना चाहिए था, लेकिन मेरा जितना था मैंने उतना उतना अपने हेयर्स में इस तरह से चोटी बनाकर मैंने लगा लिया है। एंड मुझे रुकना है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स बाद मिलते हैं एंड देखते हैं बालों पर क्या कलर आता है। सो गाइज ये कुछ हो चुका है इस तरह से, मुझे गोल्डन गोल्डन तो पता नहीं है पर वाइट वाइट से लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे बाल पूरे सफ़ेद हो चुके हैं, ग्रे कलर सा कुछ लग रहा है, बट ये क्रीम का कलर मुझे टेक्सचर लग रहा है। तो चलो मैं इसको वॉश आउट कर लेती हूँ एंड इसको वॉश करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ये कंडीशनर जो कि इसके साथ ही आया था, तो मैं इसको यूज़ करके अभी मिलती हूँ आपसे। सो गाइज मैंने ये अपने बालों को वॉश कर लिया है एंड कंडीशनर भी कर लिया है एंड मैं देख लेती हूँ कि क्या आया है रिजल्ट। अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, इनको ड्राई भी कर लेती हूँ अपने हेयर्स को, तब मिलती हूँ आपसे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो कलर है ये देखिए, ये जो कलर दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से, कहीं कहीं से कलर जहाँ ज़्यादा अच्छे से लग पाया था ना गाइज, जहाँ ज़्यादा अच्छे से लग पाया था वहाँ वहाँ कलर आया है गाइज। ये दिख रहा है आपको ये, एंड शायद आपको यहाँ से अच्छे से दिख पाए, जैसे कि ये है, ये देखिए यहाँ अच्छे से कलर नहीं लग पाया, थोड़ा कम लगा था, बट यहाँ ज़्यादा लग गया तो यहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छा कलर आया है। ये देखिए ये गोल्डिश कलर आया है एंड जो इसमें दे रहे थे एकदम से ये वाला कलर, तो ये वाला कलर नहीं है ये, बट ये कलर जो आया है ये भी बहुत प्यारा सा है एंड ये कुछ इस तरह से है। एंड मैं अंदर रूम में हूँ तो ज़्यादा अच्छे से कलर नहीं दिख पा रहा है, तो बाहर ज़्यादा अच्छे से दिख पाएगा ये। अभी कुछ बाल मेरे गीले भी हैं, सूखे नहीं हैं, तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से इसका कलर आया है। सो सॉरी सो ये देखिए गाइज, यहाँ से भी आप कलर देख पा रहे हो, तो ये देखिए ये बहुत अच्छा कलर सा लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो बस ये इतने ही बालों में है, ऊपर हेयर्स में नहीं लगाया मैंने स्कैल्प में। चलो ओके देन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं हूँ प्रीति, बाय बाय।